सभी को जय जिंदेव जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रह नौ हैं, और जब भी हम किसी को बात करते हैं तो कहते हैं ये ग्रह मेरा भारी है, ये नीच का है, ऊंच का है। तो वास्तु के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक सी चीज क्या जाती है कि यदि आप विद्या को दान देते हो, यानी कि सरस्वती यानी बृहस्पति जो ग्रह है उसकी पूजा कर ली जाए, और हमारे उसके अंदर भगवान आदिनाथ की यदि जाप कर ली जाए, तो सारे ग्रह ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि दान हर जगह देना चाहिए, लेकिन जहां पर विद्या स्पेशल आ जाए तो विद्या में दान बहुत ही जरूरी है। और विद्या से अपना पूर्व जो कर्म है वो तो शांत होते होते हैं, आने वाले कर्म भी जो है हमारे अनुकूल बनने शुरू हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे गुरुकुल के अंदर ये भी कहना चाहूंगा कि एक वास्तु से रिलेटेड यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए, और मेरी सेवाएं यहाँ पर हर वक्त रहेंगी। हर एक व्यक्ति को वास्तु का मतलब, यहाँ पर वास्तु थोड़ा सा भिन्न रूप में आ जाता है। हम लोग वास्तु को सोचते हैं कि बंदा आया तोड़ फोड़ करा के चला जाएगा, आजकल ऐसा नहीं है। वास्तु का मतलब है एनर्जी को बैलेंस करना, एक भूमि की एनर्जी और एक स्वयं की एनर्जी को बैलेंस करना। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़े, जो भी हमारे यहाँ पर निकलेंगे, उनको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो सभी समाज को इसको बता सके, और मेरा जो जैन समाज है एक सुदृढ़ बन सके। इसी मनोकामना से गुरु श्री प्रज्ञ सागर महाराज जी की जय। बाबा जी बोलेंगे।